प्रोग्रेशन अबाउट टू फिनिश, फिनिश होने पे आ गया है। लास्ट इसमें एक और बचा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक चीज़ और बची है, उसको और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसमें देख लेंगे एक दो प्रॉब्लम्स और लगा लेंगे, देन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें जैसे कि इसमें दे रखा है कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों ही प्रोग्रेशन इसमें साथ ही साथ चलेंगी, जैसे कि 1 + 2x + 3x² + 4x³। इसमें जैसे कि दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4 ये तो हो गया एपी, और x की पावर 0, x टू द पावर 1, x² x³ ये जीपी है। तो इसका nth टर्म होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी इस टाइप के सीरीज को ऐड करना हो तो एक पहले वाला टर्म जरूर लिख लीजिएगा, जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन कि n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2। अब पूरी सीरीज को हम कॉमन रेशियो, जो जीपी का जो कॉमन रेशियो चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक टर्म आगे बढ़ाकर लिख देंगे। तो पूरी सीरीज का कॉमन रेशियो जो जीपी का चल रहा है वो है एक्स। तो पूरी सीरीज में हमने मल्टीप्लाई किया, 1 को हो गया एक्स, 2x का हो गया 2x² ये हो गया 3x³ डैश डैश डैश, यहां पर आ जाएगा n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा n x टू द पावर n। इसको जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो n x टू द पावर n। जब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे, जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, तो ऊपर की तरफ तो ज़ीरो है, ऊपर की तरफ लास्ट टर्म में ज़ीरो है, यहाँ पे हमेशा कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही अकेले ही आ जाएगा ये। तो एस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया 1 + x, इतना माइनस इतना x, ये आ गया x², ये हो गया x³, फिर इतना माइनस इतना करेंगे तो x³ डैश 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 डैश, इतना माइनस इतना करेंगे तो x की पावर n माइनस 1, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। अब s इंटू 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 से लेकर x टू द पावर n माइनस 1 तक, ये टोटल n टर्म्स हो गए, तो सम इसका 1 माइनस x टू द पावर n अपॉन 1 माइनस x माइनस n x टू द पावर n। s इज इक्वल टू 1 माइनस x टू द पावर n अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस n x टू द पावर n अपॉन 1 माइनस x। 1 माइनस x से डिवाइड कर दिया, इतना ये जो भी आया सब कुछ आंसर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। कहीं पे दोबारा फिर से समझ लेते हैं इसको, s इज इक्वल टू 1 + 2x + 3x² 1, 2, 3, 4 ये तो हो गई AP, और फिर देखिए x² x³ ये हो गई GP। तो क्योंकि x की पावर 0 से स्टार्ट है, ये x की पावर 0 है, फिर x की पावर 1 है, तो ये x की पावर n माइनस 1 पे ख़त्म होगा। पूरी सीरीज को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया और एक एक टर्म शिफ्ट कर दिया, 1 को x हो जाएगा, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x² इसके नीचे कर दिया, इसके नीचे इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया, और ये मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया। देन आफ्टर हमने दिस माइनस दिस, अब हमने सबट्रैक्ट किया तो s कॉमन 1 माइनस x, 1 प्लस ये हुआ x, ये x² ये x³ से लेकर इतना माइनस इतना करेंगे तो n वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 0 माइनस इतना, तो इसका सम आ गया a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, और इसको हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। तो s बराबर ये अपॉन ये नीचे आ गया 1 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस दिस अपॉन 1 माइनस x, ये आ गया आंसर। अब इसी को ही एक पार्ट इसका और छोटा सा बचा है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो उस केस में क्वेश्चन थोड़ा और जल्दी हो जाता है, उस केस में अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्यों जल्दी हो जाएगा? क्योंकि n टर्म्स निकालने का मामला ख़त्म हो जाता है। s इज इक्वल टू 1 + 2x + 3x² + 4x³,
अप टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ये जरूर गिवन होगा कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन वन, अदरवाइज क्वेश्चन वैलिड नहीं होगा। अदरवाइज क्वेश्चन वैलिड नहीं होगा क्योंकि हम लोग सम किसी जीपी का निकाल ही नहीं सकते हैं जब तक कि उसका कॉमन रेशियो माइनस वन से प्लस वन के बीच में ना हो। इस पूरी सीरीज में प्रोसीजर सेम वही है, प्रोसीजर सेम वही है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वन हो गया एक्स, टू एक्स हो गया टू, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया थ्री एक्स क्यूब प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, सबट्रैक्ट कर दें तो एस कॉमन, तो ये आ गया वन प्लस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, एस इंटू वन माइनस एक्स इज इक्वल टू, एस इंटू वन माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया वन अपॉन वन माइनस एक्स, तो एस बराबर वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया वन अपॉन वन माइनस एक्स। अब इसी को ही अभी जो बाइनोमियली अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो याद होना चाहिए वन प्लस टू सी वन एक्स प्लस थ्री सी टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर सी थ्री एक्स क्यूब, जिसने हमारा बाइनोमियल वाला लेक्चर देखा है जिसमें कि नेगेटिव इंडेक्स वाला, तो उसको यहाँ से वो डायरेक्टली आंसर भी बता सकता है कि ये आ गया वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि एन सी वन हो या एन सी एन माइनस वन हो, इसकी वैल्यू एन ही होती है, तो थ्री सी टू या फोर सी थ्री ऑल दे आर थ्री फोर एक्सेट्रा। नाउ कम टू वह दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिनिश करते हैं फिर इस प्रोग्रेशन को। क्वेश्चन है इफ ए बी सी, ये क्वेश्चन है इफ लेट ए बी एंड सी, लेट ए बी एंड सी बी सेवेंथ इलेवेंथ एंड थर्टींथ टर्म्स, ऑफ ए पी, ये सब गिवन है कि ऑफ ए नॉन जीरो ए पी, इट्स ओके इफ दीज आर ऑल्सो, इफ दीज आर ऑल्सो द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी, थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जी पी, देन ए अपॉन सी क्या होगा निकालना है। ऑप्शंस में टू है, सेवन अपॉन थ्री है, थर्टीन है, फोर है और नन ऑफ दीज है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इफ ए बी एंड सी बी सेवेंथ इलेवेंथ एंड थर्टींथ टर्म, सेवेंथ इलेवेंथ एंड थर्टींथ टर्म रिस्पेक्टिवली ऑफ ए नॉन जीरो ए पी ऑफ एन ए पी, इफ दीज आर ऑल्सो द थ्री कॉन्जेक्ट टर्म्स ऑफ ए जी पी, देन ए अपॉन सी की वैल्यू निकालनी है, देन ए अपॉन सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो ओके दीज थ्री टर्म्स ऑफ एन ए पी आर इन जी पी, तो ए प्लस टेन डी, ए प्लस टेन डी का स्क्वायर, मतलब इसमें यह कह रहा है कि टी सेवन टी इलेवन एंड टी थर्टीन आर इन जी पी, तो इसका मतलब इलेवेंथ टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू सेवेंथ टर्म इन टू थर्टीन टर्म को, तो इलेवेंथ टर्म का मतलब ए प्लस टेन डी इज इक्वल टू ए प्लस सिक्स डी इन टू ए प्लस ट्वेल्व डी। कैपिटल ए माना है क्योंकि स्मॉल ए यहाँ पे यूज हो रहा है, स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर हंड्रेड डी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी ए डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सिक्स एंड ट्वेल्व मीन्स एटीन ए डी प्लस
72 डी स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल। अब ये 100 डी स्क्वायर है और इधर 72 है, तो 28 डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 2 AD, 28 डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 AD, तो 2D कैंसिल, 2D के बाद ये बचा 14D, इज इक्वल टू 2D हटा देंगे तो माइनस a, ये एक रिलेशन हमको मिल गया। अब कह रहा है स्मॉल ABC, ये a है सेवेंथ टर्म, हमको चाहिए है a अपॉन c, तो a अपॉन c का मतलब सेवेंथ टर्म अपॉन 13th टर्म, तो सेवेंथ टर्म कितना है a+6d, कैपिटल a+6d, और ये है a+12d, और एक जगह पर -14d रख लें, एक जगह पर -14d रखा +6d, -14d+12d, तो ये आ गया -8d/-2d, मीन्स आंसर 4। ओके, तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इससे भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन जेई में आ रहे हैं। फिर आगे अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ये तो 11th जनवरी अभी आया हुआ है भाई, देखते हैं 11th जनवरी का है, 11th जनवरी 2019। ओके, तो क्वेश्चन क्या है पढ़ा जाए, लेट a1 a2 a3 up to a10 आर एन जी पी और a3 upon a1 इज इक्वल टू 25, तो a9 upon a5 की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस भी गिवन है a b c d, 5³ 2 × 5² 5⁴ एंड 4 × 5² फिर से देख लेते हैं a1 a2 a3 till a10 आर एन जी पी, a3 upon a1 25 है, तो a9 upon a5 की वैल्यू निकालनी है, तो a9 upon a5 की वैल्यू निकालनी है। ओके, a3 तो हमने a1 को a ले लिया, a2 को ar ले लिया, a3 को ar² ले लिया एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगा ar² upon a1 का मतलब a इज इक्वल टू 25, तो r की वैल्यू है तो ±5, लेकिन -5 का कोई स्कोप ही नहीं है उधर। a9 का मतलब हो गया ar^8 upon ar^4, ये क्या, ये तो बच गया r^4 यानी 5^4, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है मेंस में, ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन अभी मेंस में 11 जनवरी में आया है, कितना सेकंड लगे होंगे इसको करने में। एक और क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी,
इज 512. इफ 4 इज एडेड, इफ 4 इज एडेड टू ईच ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड ऑफ दीज टर्म्स द थ्री टर्म्स नाउ are in AP. The sum of the original three terms, of GP is 36, 28, 32 and 24. Question फिर से एक बार. The product of the three consecutive terms of a GP is 512. If 4 is added to each of the first and second term, of these terms, the three terms now form an AP. AP, the sum of the original three terms of given GP. ये निकालना है. तो ओके, तो द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जेक्टिव टर्म्स ऑफ ए जी पी, तो ए अपॉन आर इन टू ए आर इज इक्वल टू 512. तो ए क्यूब इज इक्वल टू 512, तो ए इज इक्वल टू 8. ए इज इक्वल टू 8, सो नंबर्स आर 8 अपॉन आर. अब कह रहा है कि 8 अपॉन आर में हमने 4 ऐड कर दिया, और इस 8 में 4 ऐड कर दिया, और ये है 8R. इसको ऐसे रहने दिया. इसमें कह रहा है कि इफ 4 इज एडेड टू ईच ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, a अपॉन r और a और ar, हमने ये टर्म्स एज्यूम करे, जो हमने टर्म्स एज्यूम कह रहे हैं दे आर ar, a अपॉन r, a एंड ar, ये हमने टर्म्स एज्यूम किए हैं. तो a की वैल्यू 8 आ गई है, तो 8 अपॉन r प्लस 4 क्योंकि 4 ऐड किया गया है, ये ऑलरेडी 8 है, तो 8 प्लस 4 और 8R. इसमें अब कह रहा है कि दीज नंबर्स आर इन AP. ये नंबर्स क्या हो गए, 8 अपॉन R प्लस 4 कॉमा 12 और 8R. अब ये नंबर अगर AP में है तो 2B बराबर A प्लस C, तो 2 टाइम्स मिडिल टर्म 24, मिडिल टर्म 12 इज इक्वल टू 8 अपॉन आर प्लस 4 प्लस 8R. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हर तरफ से 2 तो कैंसिल ही हो रहा है, बल्कि 4 कैंसिल हो रहा है, तो 4 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6. ये हो गया ओके 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 24, और ये हो गया 20 इज इक्वल टू 8 अपॉन आर प्लस 8R. इज इट करेक्ट, 24 ये. तो अब इसमें 4 से कैंसिल कर दें, अगर 4 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 2 अपॉन आर और ये आ गया 2R. 4 से कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 5. अब R की वैल्यू 2 तो डायरेक्टली दिख रही है, R की वैल्यू 2. तो सम ऑफ ओरिजिनल नंबर्स, मतलब 8 अपॉन 2 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 8 12 और 16 28 ही आ गया. चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं, क्वेश्चन इजी है तो कहीं आया हुआ हो. यस इट इज़, 12th जनवरी को अभी 2019 में ये क्वेश्चन आया था, 12th जनवरी 2019 में अभी ये क्वेश्चन आया है. तो हो गए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री.